एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। सो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर फिफ्थ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में। मैंने चैप्टर फोर्थ लीनियर इक्वेशन ऑलरेडी बना दिया है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। सो इस चैप्टर में हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में। हमें पहले इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। एन इक्वेशन विद वन वेरिएबल इन विच द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज टू इज नोन एज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वो इक्वेशन जिसमें वेरिएबल मींस एक्स वाई एनी अल्फ़ाबेट्स, उसे हम बोलते हैं वेरिएबल, ठीक है। जो भी वेरिएबल होगा इक्वेशन में उसकी हाईएस्ट पावर अगर टू हुई तो उसे हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोई भी इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर अगर टू हुई तो हम उसे बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल 3x² + 4x + 7 = 0। तो इसमें हाईएस्ट पावर वेरिएबल x की कितनी है? 2। सो दिस इज़ कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एंड सेकेंड एग्जाम्पल x² = 4, सो दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट है ax² + bx + c = 0, वेयर ए बी सी आर ऑल रियल नंबर्स एंड a डज नॉट बिलोंग्स टू 0, ठीक है। सो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में, इसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। पहले वेरिएबल के साथ हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए, देन वेरिएबल के साथ पावर 1 होनी चाहिए, देन विदाउट वेरिएबल नंबर होना चाहिए और इक्वल्स टू 0। इसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म और इसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोलते हैं। नेक्स्ट, इस चैप्टर में जो मेन फार्मूला है वो है डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला। ये सबसे मेन फार्मूला है इस चैप्टर का, दैट इज़ कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला। सो इसका फार्मूला क्या है? b² - 4ac और डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू b² - 4ac। ये दोनों सेम ही है फार्मूले, b² - 4ac, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू b² - 4ac। सो अब हम एग्जांपल के साथ स्टार्ट करते हैं। हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इससे हम पता करनी है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है या नहीं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी? पहले पावर पे हाईएस्ट वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 2। देन विदाउट वेरिएबल, सॉरी वेरिएबल के साथ पावर 1 होनी चाहिए, देन विदाउट वेरिएबल नंबर होना चाहिए और इक्वल्स टू 0। तो अगर ऐसे इक्वेशन बन रही है तो ये तो हमारी क्या होगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो हम पहले क्या करेंगे, इस नंबर को इस पूरी ब्रैकेट के साथ सॉल्व करेंगे, देन इस नंबर को इस पूरी ब्रैकेट के साथ सॉल्व करेंगे। बट हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना, साइंस को इधर उधर मत ले जाना वरना आपका सम गलत हो जाएगा, ठीक है। ये देखो 3 2 6x² 3x² × 2x 6x², ठीक है। देन ये माइनस लग गया, देन 3 3 9x, सो माइनस लग गया, 2 2 4x, ठीक है। देन माइनस एंड माइनस प्लस होता है ना, माइनस एंड माइनस क्या होता है? प्लस। सो 3 2 6, सो ये तो हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब हम इसको सेम वे में, इसको ही एस जो हमने इस जैसे हमने इसको सॉल्व किया तो सेम वे में इसे भी हमने ऐसे ही सॉल्व करना है। तो 2 2 4x², देन ये माइनस 2x × 1, दैट इज 2x, देन ये प्लस 5 2 10x, देन प्लस माइनस माइनस 5 × 1, दैट इज -5। प्लस माइनस माइनस होता है तो 5 × 1 - 5। नेक्स्ट अब हम इसको सॉल्व करेंगे 6x², ठीक है। जो स्क्वेयर वाले हैं वो हमने इकट्ठे कर लेने हैं और जो विदाउट स्क्वेयर वाले हैं वो हमने अलग से इकट्ठे कर लेने हैं, और जो विदाउट वेरिएबल वाले हैं उसको हमने अलग से इकट्ठा कर लेना, ठीक है। तो 6x², ये प्लस का था इधर आकर माइनस का 4x², ठीक है। तो ये माइनस 9x, देन ये माइनस 4x, देन ये माइनस का 2x था, जब इक्वल टू के इधर हमने लाए तो 2x प्लस का 2x बन गया, ये प्लस का 10x था इधर आकर माइनस का 10x, ठीक है। देन इक्वल्स टू, ये इक्वल्स टू के इधर ही हमने रखा तो -5। तो ये विदाउट वेरिएबल वाला नंबर था जो हमने इक्वल टू के दूसरी साइड लेकर आए, तो हम ये प्लस का 6 इधर आकर माइनस का 6 बन गया, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे 6 - 4 2x² ग्रेटर नंबर के साथ कौन सा साइन है? पॉजिटिव का, तो पॉजिटिव ही रहेगा,
देन माइनस एंड माइनस प्लस, बट जो ग्रेटर नंबर के साथ साइन है वो हमने यहाँ पे लगा दिया. सो 9 + 4 दैट इज 13x, ठीक है. देन प्लस 2x माइनस 10x, माइनस एंड माइनस प्लस, बट जो ग्रेटर नंबर के साथ साइन है उसे माइनस ही लगेगा. 6 + 5 11, माइनस एंड माइनस प्लस होता है तो 6 + 5 11, तो 2x², ठीक है. 2x², अब देखो माइनस एंड माइनस प्लस, माइनस एंड माइनस कितना होता है, प्लस होता है, तो माइनस 13x माइनस 10x, माइनस एंड माइनस प्लस होता है तो 13 + 10 = 23, माइनस 23x, फिर प्लस 2x = -11. देन 2x², अब माइनस एंड माइनस, माइनस प्लस माइनस, सो जो ग्रेटर नंबर के साथ साइन होगा वो हम यहाँ पे लगाएंगे तो 23 - 2 दैट इज 21x. ग्रेटर नंबर के साथ नेगेटिव का साइन है तो यहाँ पे नेगेटिव का साइन लगेगा. 21x तो इक्वल टू के उधर था, तो जब इक्वल टू के इधर लेकर आए तो ये माइनस का यहाँ पे पॉजिटिव में चेंज होएगा, प्लस का 11 बन जाएगा और इक्वल्स टू 0. अब देखो फर्स्ट में स्केयर है वेरिएबल के साथ, सेकंड में वेरिएबल के साथ पावर 1 है, और थर्ड में क्या है, विदाउट वेरिएबल, ठीक है, इक्वल्स टू 0. मीन अगर ऐसी इक्वेशन आए वेरिएबल के साथ 2 हाईएस्ट पावर, देन वेरिएबल के साथ 1 पावर, देन थर्ड टर्म में विदाउट वेरिएबल नंबर होना चाहिए, तो वो होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो दिस फॉर्म्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है. अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई. नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंड एग्जाम्पल. सेकेंड एग्जाम्पल है हमारे पास 3x² प्लस 5x - 2 = 0. शो दैट x = 1/3 इज़ अ सोल्यूशन, x = 3 इज़ नॉट अ सोल्यूशन. तो हम कैसे दिखाएंगे, हमने इन्होंने कहा कि x की जो वैल्यू उसको हमने सब्सटीट्यूट करना है 1/3. पहले हम x की वैल्यू 1/3 सब्सटीट्यूट करेंगे, ठीक है. अगर LHS RHS के इक्वल आए, इट मींस ये है हमारा सोल्यूशन, ये है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन, ठीक है. तो हम फिल करते हैं, 3x² मींस x की वैल्यू सब्सटीट्यूट की 1/3² प्लस x की वैल्यू सब्सटीट्यूट की 1/3 - 2, देन 3 × 1² 1, 3² 9. यहाँ पे स्केयर था ना, तो हमने स्केयर कर दिया, तो 3 × 1 = 3, 3 = 9 कैंसिल. देन 5 × 1 = 5/3 - 2, देन 3 × 1 = 3, 3 = 9, तो 1/3 बन गया, प्लस 5/3 - 2. तो नेक्स्ट हमने क्या किया, हमने एलसीएम ले लिया, हम इन तीनों का हमने एलसीएम लिया, तो हमारे पास आ गया 1 + 5 - 3 × 2, 1 + 5 - 3 × 2, सो 5 + 1 = 6, -3 × 2 = 6, सो 6 - 6 दैट इज़ 0/3 = 0, ठीक है. मींस हमारा RHS LHS की इक्वल आ गया. RHS कितना था, 0 दिया हुआ था, तो हमने जब LHS को फाइंड किया, LHS को हमने जब फाइंड किया वो भी हमारे पास कितना आ गया, 0. तो RHS LHS की इक्वल है आ गया, ठीक है. सो नाउ x = 1/3 इज़ अ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, क्योंकि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन x की वैल्यू 1/3 फिल करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दी, तो इक्वेशन का सोल्यूशन मिल गया. नेक्स्ट हमने सेम ही क्वेश्चन में x की वैल्यू 3 सब्सटीट्यूट करनी है. ये था हमारा सेम क्वेश्चन, तो x की वैल्यू 3 सब्सटीट्यूट की, 3x² x की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें, सब्सटीट्यूट करनी है 3, देन प्लस 5 × x की वैल्यू 3 - 2, 3 × 3 = 9, 3 × 9, 5 × 3 = 15 - 2, 9 × 3 = 27 प्लस 15 - 2, देन 27 + 15 दैट इज 42 - 2, तो 42 - 2 = 40. अब ये 0 की इक्वल नहीं आई ना, LHS 0 की इक्वल जैसे हमें दिया हुआ था, ये RHS 0 थी, तो हमने जब LHS को, ये थी हमारे LHS, जब हमने LHS को फाइंड किया वो तो 0 की इक्वल नहीं आई, वो 40 आ गई. इट मींस x = 3 इज नॉट अ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ठीक है. तो यहीं पर हमारी एग्जांपल्स ख़त्म होती है. अब हम करते हैं एक्सरसाइज को स्टार्ट. एक्सरसाइज 5A, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक. अब हमने फाइंड करने की कौन सी इक्वेशंस क्वाड्रेटिक है,
ठीक है। तो हमें ये इक्वेशन दी हुई है, 3x-1² = 5 ब्रैकेट स्टार्ट x+8 ब्रैकेट क्लोज। सो हम अब हमने ये पहले भी फॉर्मूला किया हुआ है 9th और 8th स्टैंडर्ड में, a-b² + b² है ना। सो a-b² फॉर्मूला इज a² + b² - 2 × a × b, ठीक है। तो ये है हमारा a-b² का फॉर्मूला। सेम हमने फॉर्मूला इस पे अप्लाई करना है 3x-1² पे। सो 5 × x 5x + 5 × 8 = 40 इसकी हमने इक्वेशन बना ली। देन सेम यही फॉर्मूला हमने इस पे अप्लाई करना है, 3x² means a² देन बी यहाँ पे क्या है 1, तो +b² = 1 -2 × a कितना है 3x, तो 3x, b कितना है 1 × 1 = 5x + 40 देन 3x² 1 का स्केयर 1, 3×2 = 6 × 1 -6x देन 5x + 40 3x² + 1 ये प्लस का इक्वल टू के उधर था 40, जब हम इक्वल टू के इधर लेकर आए 40 तो माइनस का 40 बन गया -6x, ये प्लस का इक्वल टू के उधर था जब हम इक्वल टू के इधर लेकर आए तो माइनस का 5x बन गया =0। अब इक्वल टू के उधर कुछ नहीं रहा तो इट मीन्स =0। देन 3x² 40 + -, तो 40 - 1 दैट इज -39, क्योंकि ग्रेटर नंबर के साथ क्या है माइनस, तो 39 -39 माइनस एंड माइनस प्लस बट साइन ऑफ नेगेटिव 6 + 5 = 11x = 0 3x² - 11x - 39 = 0। अब देखो ये उल्टी पुल्टी हमने लिखी हुई थी, बट अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पहले हाईएस्ट पावर वेरिएबल के साथ 2 होनी चाहिए, देन वेरिएबल के साथ पावर 1 होनी चाहिए, देन विदाउट वेरिएबल नंबर होना चाहिए, देन =0। तो ये है हमारा सोल्यूशन इक्वेशन का। तो दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। सो नेक्स्ट सेम ये क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही करना है, मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। 5x² - 8x, तो ये फुल इस 3 को पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई, 7 × 3 = 21 -21 माइनस एंड माइनस प्लस 3×2 = 6x 5x² - 8x के माइनस का इक्वल टू क्यों होता था इधर आकर प्लस का, तो ये इक्वल टू क्यों उधर था इधर आकर माइनस का 6x = 0 उधर कुछ नहीं बचा तो 0 5x² देन माइनस एंड माइनस प्लस बट साइन ऑफ नेगेटिव तो 6 + 8 = 14x + 21 = 0। तो ये है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज x-4 3x + 1 = 3x - 1x + 2। तो ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें इसको पहले सॉल्व करेंगे ये पूरी ब्रैकेट को इस पूरी ब्रैकेट से। पहले हमने क्या किया, x लिख लिया, ये पूरी ब्रैकेट लिख ली, देन -4 लिख लिया, ये पूरी ब्रैकेट लिख ली। ऐसे आपको ईजी हो जाएगा मल्टीप्लाई करने के लिए। देन इसको भी पूरी ब्रैकेट, ये पूरी ब्रैकेट को इस पूरी ब्रैकेट से, पहले 3x लिख लिया, ये पूरी ब्रैकेट लिख ली, देन ये -1 लिख लिया, ये पूरी ब्रैकेट लिख ली। अब केले केले के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 3x² + x - 4 × 12x -+-4 × 4 = 3x² 3×2 = 6x -x - + - देन 2 × 1 = 2, ठीक है -2। सो +-, होता है, बट जो ग्रेटर नंबर के साथ साइन होता है वही हम यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है। तो प्लस के साथ, 2 के साथ प्लस है तो प्लस लगेगा, 2 × 1 = 2। नेक्स्ट फिर जो इक्वल टू के उधर थे नंबर वो हमने इधर ले आए, ठीक है, साइंस को चेंज कर दिया, जैसे उधर प्लस का तो इधर आकर माइनस का, उधर माइनस का इधर आकर प्लस का, तो हमने वैसे लिख लिया, ये प्लस का 3x², ये माइनस का 3x कैंसिल, ये x + x 2x - 12x, ठीक है, -4 - 6x - 2 = 0 देन 2x माइनस एंड माइनस प्लस होता है बट साइन ऑफ नेगेटिव 12 + 6 = 18x -4 and -2 = 4 + 2 = 6 माइनस एंड माइनस प्लस तो -6 = 0, ठीक है। अब 18 - 2 = 16x 18x - 2x = 16x -6 = 0। बट अब देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनी, सो दिस इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि पहले वेरिएबल के साथ हाईएस्ट पावर 2 नहीं है, ठीक है।
नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन, इफ़ रूट 2/3 इज़ अ सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 3x² + mx + 2 = 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। अब हमने क्या करना है, x की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करना है रूट 2/3, x की वैल्यू को क्या सब्सटीट्यूट करना है रूट 2/3। तो इस इक्वेशन में हमने x की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करना है, तो 3x² था तो x की वैल्यू सब्सटीट्यूट की रूट 2/3² प्लस m इंटू x था, x की वैल्यू को सब्सटीट्यूट किया रूट 2/3 प्लस 2 = 0। देन ये स्केयर रूट के साथ कैंसिल हो गया, ठीक है, स्केयर कैंसिल विद रूट। देन 3 × 2 / 3, 3 और 3 कैंसिल प्लस रूट 2/3 ये m प्लस 2 = 0। देन ये 2 प्लस m रूट 2/3 प्लस 2 = 0। अब 2 + 2 = 4, 2 + 2 कितना हुआ 4 प्लस m रूट 2/3 = 0। देन m रूट 2/3 ये प्लस की 4, प्लस का 4 इधर आकर इक्वल टू के उधर आकर माइनस का 4, ठीक है। फिर हमने क्या किया, ये जो रूट 2/3 हमने इक्वल टू के उधर ले गए, जब ऐसे फ्रैक्शन में कुछ दिया होता है हम जब इक्वल टू के उधर लेकर जाते हैं तो उसका जो उसके उसका रेसिप्रोकल हो जाता है ना। जैसे हमारे पास है p 6/2 = -4, ठीक है, अगर हम इसको इधर लेकर जाएंगे तो इसका रेसिप्रोकल होगा ना -4 × 2/6, ऐसे करते हैं ना हम। तो सेम वे इधर भी हमने ऐसे ही किया, ठीक है, m इक्वल्स टू -4, ये प्लस का रूट 2/3, ये माइनस का था ऑलरेडी हमने लगा दिया, ठीक है, इधर आ गया तो इनटू इसका रेसिप्रोकल हो गया √3/2। तो इसको सॉल्व करके हमारे पास m की वैल्यू कितनी आ गई, m इक्वल्स टू -2√6। इन्होंने हमें वैल्यू कहा था वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ m, तो हमने वैल्यू m की फाइंड कर दी, ठीक है। सो फाइनली विद दिस अवर चैप्टर 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 5 इज कम्प्लीटेड। सो नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 5B के बारे में। सो गाइज, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।